हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर आई हैं एकता कपूर। लेकिन दोस्तों, एकता जब घर के बाहर निकली तब उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी और सुम्बुल तौकीर खान के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद सुर्खियों में आ चुकी हैं एकता कपूर। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या कहा है एकता ने सुम्बुल और प्रियंका के लिए? बिग बॉस के घर से निकलते वक्त ऐसा क्या हुआ जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचा के रखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर एकता कपूर पहुंची अपनी अगली नागिन को करने के लिए सिलेक्ट। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि हर किसी से उन्होंने ऑडिशन करवाया, कोई नेचुरल एक्टर था तो कोई ओवर एक्टिंग की दुकान निकला। ऐसे में जाते जाते प्रियंका चाहर चौधरी को गले लगाकर एकता कपूर ने कुछ शब्द कहे और यही शब्द सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दे, एकता कपूर ने बोला, आई विल कॉल यू प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका को गले लगाते वक्त एकता कपूर ने यही कहा कि वो उन्हें कॉल करेंगी। तो दोस्तों, जब एकता घर के बाहर आई और मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तब एकता कपूर ने इस बात को साफ किया कि सुम्बुल तौकीर खान और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों ही बहुत कमाल की कलाकारा है। दोनों की एक्टिंग एकदम नेचुरल है। दोनों के चेहरे पर, उनके एक्सप्रेशंस पर किसी भी तरह के फिल्टर्स नहीं है। हर भाव को, हर एक्सप्रेशन को वो अपना बनाती है और तभी उन्हें जाहिर करती है। ऐसे में मेरे लिए काफी ज्यादा सौभाग्य की बात होगी अगर मैं इन दोनों को एक साथ कास्ट करूं। यानी कि दोस्तों, नागिन 7 में सुम्बुल और प्रियंका एक साथ कास्ट होती हुई नजर आ सकती है। क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।